गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज है करवा चौथ और सबसे पहले तो सभी सुहागनों को सभी को हैप्पी करवा चौथ, करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं पूरे दिन क्या करने वाली हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँगी और शाम में मैं कैसे रेडी होने वाली हूँ, पूरे दिन क्या क्या करती हूँ। तो फिलहाल मैंने अभी जो है एक सिंपल सी कुर्ती पहन ली है जो कि थोड़ी सी लूज़ भी है, इसको मुझे फिटिंग करवाना है और थोड़े से इसके मैचिंग मैचिंग के बैंगल्स और मेहंदी वेहंदी लगा के पूरी मैं रेडी हूँ। जब जब मुझे जीवन मिले मुझको यही साजन मिले, मेरी दुआ में हो असर उनको लगे मेरी उम्र। आप मेरे साथ आज पूरे दिन बने रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मंदिर साफ कर ले रही हूँ क्योंकि लगभग 11 बज चुके हैं और अभी से थोड़ी साफ़ सफाई स्टार्ट कर दूंगी तो काम मेरे लिए आसान हो जाएगा। ये पूजा की थाली और ये करवा ये सारा मैं भी साफ़ करने जा रही हूँ और ऐसे ही मंदिर साफ़ कर लूँगी थोड़ा सा। तो अभी मंदिर की साफ़ सफाई हो चुकी है। दोस्तों 5 बज गए हैं, एकदम से शाम हो गई है तो मैं चूड़ियों का सेट लगा रही हूँ, कैसा लगा आप कॉमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद जो है मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ, फिर पैरों में कलर लगाऊंगी, अपना जो है बिछुआ चेंज करूंगी और ये सब करते करते आधे एक घंटे तो ऐसे ही लग जाएंगे, इसलिए थोड़ा पहले से ये सब करना शुरू कर दो तो काम आसान हो जाता है। वैसे दोस्तों बेंगलोर में मौसम काफ़ी ठंडा है इसलिए जो है प्यास नहीं लग रही है, और ठंडा है इसलिए दिन में 2-3 बार बारिश भी हो चुकी है और चांद कब निकलेगा वो पता नहीं, क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट टाइम मेरा करवा चौथ था शादी के बाद तो मैं रात 12 बजे तक मैंने चांद का वेट किया था और चांद निकला ही नहीं, रात 12 बजे से जो है बारिश होने लगी थी। उसके बाद मम्मी ने मुझे वीडियो कॉल पर चांद दिखाया तब जाके मेरी पूजा हो पाई थी। और जो है अभी अभी मम्मी का कॉल आया और मम्मी ने बताया कि 6 बजे तक पूजा हो जानी चाहिए क्योंकि 6 बजे के बाद शुभ मुहूर्त नहीं है, तो फिर जो है मैं अभी जल्दी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, तो मुझे 15 मिनट मिला था रेडी होने के लिए टाइम, तो उतने अच्छे से तो नहीं लेकिन फिर भी हाँ मैं रेडी हो गई हूँ। अभी पूजा स्टार्ट कर दिया है मैंने और यहाँ पर मैंने कलावा लिया है, इसको अपने जो है करवा में बांधना है। दोस्तों अभी मेरी पूजा जो है हो चुकी है तो अभी मैं सबसे पहले डिनर में जो है सब्ज़ी बना लेती हूँ क्योंकि मैंने दिन में नहीं बनाया था, मैंने सोचा कि चांद यहाँ पर लेट में निकलेगा तो मुझे बहुत सारा टाइम ऐसे ही बीच में मिल जाएगा तो खाली बैठे रहूँगी, भूख प्यास लगेगी इससे अच्छा है कि मैं खाना बना लूँ। तो सब्ज़ी बनने के बाद अभी मैं यहाँ पर जो है हलवा बना रही हूँ क्योंकि हलवा और पूरी जो है प्रसाद चढ़ाना है, तो यहाँ पर मैं पहले 4 पूरियाँ ही बना रही हूँ, बाद में जो खाना होगा तब बनेगा। तो दोस्तों अभी चांद निकल चुका है और समय हो रहा है 9:30 बजे। हमारे यहाँ जो है लखनऊ में 8:30 चांद निकल गया था लेकिन यहाँ पर एक घंटे लेट निकला, तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ और आज जो है चांद बहुत जल्दी निकल गया। वैसे जो है इतना टाइम से बेंगलोर में चांद निकलता नहीं है बट लकी हैं हम लोग। और रात ज़्यादा हो गई है और शायद मौसम भी साफ़ नहीं है उतना, तो इसकी वजह से अंधेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया है, वीडियो उतना क्लियर आया नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया।